अगर मैं बोलूं बीट रूट का जूस आम के पन्ने जैसा लगता है तो क्या आप पिएंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, डूइंग गुड इन लाइफ एंड डूइंग लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड हैविंग गुड फूड टू एंजॉय योर लाइफ। Alright, so आज का जो वीडियो है इट्स नॉट अबाउट एनी वर्कआउट, इट्स अबाउट बीटरूट जूस। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज आपको मिलेंगे जहां पर आप बीटरूट के जूस बना सकते हैं, फिर उसको ट्राई भी कर सकते हैं। बट गाइज, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे देखे एंड मैंने ट्राई भी किया, बट मुझे वो टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था एंड इस चक्कर में मैं बीटरूट नहीं खा पा रही थी, जबकि सबको पता है कि जो बीटरूट है वो कितना ज्यादा न्यूट्रिएंट है, कितना ज्यादा उसमें अच्छे विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड यू नो फुल उसमें फॉलिक एसिड रहता है, उसका सोर्स जो है फॉलिक एसिड का रहता है। सो मैंने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज बीटरूट को मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल वी हैव। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मैं उसको यू नो मिक्स एंड मैच करके ट्राई करते हैं कुछ अच्छा बनाने का, एंड अगर दैट वर्क्स देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सो दैट यू गाइस कैन एंजॉय अ बीटरूट जूस ड्यूरिंग योर विंटर एंड एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक भी आप पी सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हैं तो भी आप बीटरूट का जूस पी सकते हैं। 11 o'clock कुछ खाने का मन करे तो भी आप बीटरूट का जूस पी सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, कम ऑन। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मेरे टेबल पे क्या क्या है और क्या क्या मैं बीटरूट के जूस में ऐड करती हूँ। सबसे पहले बीटरूट ऑफ कोर्स, एंड उसके साथ मैं गाजर ऐड करती हूँ, आंवला ऐड करती हूँ, लेमन ऐड करती हूँ। आंवला भी आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, बिकॉज आंवला में अच्छा खासा विटामिन सी मिलता है, विटामिन ई मिलता है, विटामिन ए मिलता है, कैल्शियम होता है एंड आयरन होता है। तो प्लीज इसे यूज करें, आपके हेयर फॉल के लिए भी काफी हद तक आपको हेल्प करेगा। और इसको मैं मिक्स करने वाली हूँ जीरा पाउडर के साथ, काला नमक एंड लेमन का जूस। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें इसे बॉईल करना है, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैंने सारे बीटरूट, गाजर और आंवला को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। प्लीज याद रखिएगा, आंवले का बीज उसमें से निकाल दीजिएगा। और अब मैं इसको फटाक से कुकर में सिर्फ 2 सीटी का उबाल दूंगी एंड उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट बीटरूट का जूस रेडी। एंड फ्रेंड्स, जो मैंने बॉईल करने के लिए रखा था बीटरूट, गाजर और आंवला को, उसको 2 से 3 सीटी के बाद मैंने ठंडा किया एंड उसको फिर मिक्सर में ग्राइंड कर दिया। और देखिए उसका ये ऐसा थिक सा मैं पेस्ट बनाकर रख लेती हूँ, 1 से 2 दिन चलता है ठंडियों में। सो ये आपको बनाकर एक बोल में रख लेना है। और फ्रेंड्स, आइए अब तैयार कर लेते हैं एक क्विक सा बीटरूट का जूस। आपको सिर्फ जितने लोग हैं उतना ग्लास में डालना है। ये मैंने लिया 2 स्पून मेरे ग्लास में और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला ब्लैक सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार, जीरा बहुत सारा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और इससे काफी हद तक आम के पन्ने जैसा टेस्ट आता है, और लेमन ड्रॉप। और अभी ठंड का टाइम चल रहा है इसीलिए मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी, गर्म पानी इन द सेंस ल्यूकवॉर्म वाटर। और ठंडियों में आप ठंडा पानी डाल सकते हैं और सिर्फ आपको इसको अच्छे से स्टर करना है, सब कुछ अच्छे से मिला देना है और ये रेडी हो गया आपका आंवले का जूस। लेट मी ट्राई एंड लेट यू नो कैसा बना है। एंड फ्रेंड्स, झटपट रेडी है हमारा बीटरूट आंवले का जूस। मैं ट्राई करती हूँ पहले पी के। इट्स रियली यमी, पूरा का पूरा आम के पन्ने जैसा टेस्ट आता है। और प्लीज आप ट्राई करें और मुझे बताएं, अगर मैं गलत हूं देन मैं सॉरी बोल दूंगी, लेकिन यस, ये पूरा आम के पन्ने जैसा टेस्ट आता है। आप इसको ट्राई करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। क्विक, आई थिंक सिर्फ 10 से 15 मिनट लगा इसको बनाने में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ विद सम अदर प्रॉब्ली वर्कआउट और सम गुड हेल्दी रेसिपी। तब तक के लिए टेक केयर, एंड अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया देन प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।